Okay, so we have done one application of electrostatic, that was your electrostatic precipitator. I've shown you the diagram of that precipitator as well, and I have explained that how that electrostatic precipitator is used to remove, you know, harmful particles from the smoke which is being produced in factories, so that those harmful particles does not go into the atmosphere and produces you know, air pollution. So ye aapka jo tha first application tha. फर्स्ट एप्लीकेशन आपका था क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक का. ओके, सेकंड एप्लीकेशन आज हम इसका करेंगे. सेकंड एप्लीकेशन मैंने याद नहीं आ रहा चला. एनीहाउ वी विल बी डूइंग स्प्रे पेंटिंग. ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन जब इसकी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, दैट इज योर स्प्रे पेंटिंग. अच्छा, स्प्रे पेंटिंग में क्या होता है कि स्प्रे पेंटिंग में जो भी आपकी गाड़ी होती है नॉर्मली, और जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपने जो है वो पेंट करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फिनोमेना होता है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमेना को यूज़ करते हैं, जिससे जो है वो जिससे कि उस बॉडी की सर्फेस के ऊपर जो है वो आपका यू कैन से कि थिक लेयर जो होता है वो डेवलप हो जाता है उसकी सर्फेस के ऊपर. सो दिस इज़ हाउ वी डू द स्प्रे पेंटिंग. यूजली इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी जिस आइटम के ऊपर आपने जब वो स्प्रे करना होता है, सो उस आइटम को जो है हम नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं. वी नेगेटिवली चार्ज दैट आइटम. और जो आपका पेंट होता है उस पेंट को हम क्या करते हैं, उस पेंट की जो स्प्रे गन नॉर्मली हमारी होती है उस स्प्रे गन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं. यूजली यू कैन डू इट रिवर्स एज वेल. तो जब भी आपका उस पेंट जो होता है वो स्प्रे गन की नोजल से निकलता है, तो उसके जो टाइनी पार्टिकल्स आपके होते हैं स्प्रे गन से निकलने के बाद, दो टाइनी पार्टिकल्स गेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज, उनके ऊपर जो है वो आपका स्टैटिक चार्ज आ जाता है. लेकिन यू नो मैंने बताया ना कि आप उन पर जो है चाहें तो आप पॉजिटिव चार्ज कर लें, आप चाहें तो उन पर नेगेटिव चार्ज कर लें, इट्स अप टू यू. यानी उसको आप उस पर एक चार्ज आप उसे क्रिएट करते हैं पेंट के ऊपर. एक चार्ज आपकी पेंट पर आ जाती है, दूसरा जिस ऑब्जेक्ट पर आपने चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पर आपने जो है वो चार्ज यू नो करना होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो वो अपोजिट चार्ज ले आते हैं. लेट सपोज अगर मैंने जो स्प्रे पेंट है, अगर उस स्प्रे सॉरी जो मेरा पेंट है, अगर पेंट को मैं नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ, तो वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कि मैंने पेंट जो है वो लगाना है, उस ऑब्जेक्ट को फिर मैं पॉजिटिवली चार्ज कर दूंगा. तो इससे होगा क्या, सिंस ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पेंट के जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे, दोस टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पेंट दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू नो दैट मटीरियल. वो जब उस ऑब्जेक्ट की तरफ जब वो अट्रैक्ट होंगे और ऑब्जेक्ट की तरफ वो आपके जब अट्रैक्ट होंगे, दे विल फॉर्म अ थिक लेयर ऑफ पेंट ऑन दैट यू नो बॉडी. और पेंट जो आपका है वो इस तरीके से जब वो ज़ाया नहीं होता. ये जो आपका मेथड है स्प्रे पेंटिंग का, ये मेथड आपको जो होता है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है और बहुत जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि इस मेथड में आपको जो पेंट होता है वो पेंट आपका ज़ाया नहीं होता, एक्स्ट्रा पेंट आपको जो है वो ज़ाया नहीं होता. यानी कि जो भी आप पेंट नोज़ल से आपका निकलता है पेंट, सारे का सारा जो आपका पेंट होता है वो सारे का सारा पेंट आपको जो है वो उस बॉडी की तरफ जो खुद ब खुद ही जो वो अट्रैक्ट होता है, उस बॉडी की तरफ खुद ब खुद ही जा रहा होता है. तो इसी वजह से क्या होता है कि आपको जो पेंट होता है वो आपका इसमें ज़ाया नहीं होता. सो दिस इज हाउ वी डू दिस थिंग. इस तरीके से हम जो है वो स्प्रे पेंटिंग जो है वो करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. ठीक है, सो आई विल बी मैं इसके भी एक डायग्राम आपसे शेयर करके आपको मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ हो रही होती है. लेट मी स्टॉप दिस शेयरिंग. ओके अगेन. एडमिन ऑफिस. ओके, नाउ दिस इज हाउ स्प्रे पेंटिंग इज यू नो बींग वर्क अवे. इसमें आप देखें कि जो भी आपका जो भी आपकी स्प्रे गन होती है
उसका जो हाई, उसके साथ जो आप हाई वोल्टेज केबल लगा देते हैं, इट हैज़ यू नो एयर होज एज वेल, जो भी आप प्रेशर, क्योंकि आपको जो भी स्प्रे पेंट निकल रहा होता है उस पेंट को आपने जो है वो प्रेशर से निकालना होता है, तो उसके लिए आपको जो प्रेशर है एनवायरमेंट पूरा पूरा होता है वो सारे सारे आपका जो है उसके अंदर, इसके अंदर आपका कनेक्ट हुआ होता है। तो इसमें देखिए हमने किया क्या है, जो भी हमारे पास स्प्रे गन थी उस स्प्रे गन की जो नोजल होती है उस नोजल के अंदर हमारी बारीक सी जो है वो पिन जो है वो बेसिकली लगा देते हैं। उस पिन के ऊपर से जब आपका इलेक्ट्रॉन के पार्ट, जो स्प्रे के पार्टिकल आपके जब निकलते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, दे यू नो गेट नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम दैट पिन। तो स्प्रे जो आपको होता है दैट गेट नेगेटिवली चार्ज, गेट नेगेटिवली चार्ज, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जब वो पेंट करना होता है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल, उसके ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिवली, वो पॉजिटिवली चार्ज हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अभी जो पेंट आपका निकलता है, दिस पेंट इज नेगेटिवली चार्ज, द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों आपके जो पार्टिकल्स हैं, दोनों आपके जो ऑब्जेक्ट यानी पेंट आपका जो है, देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पेंट एंड द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अगर आपने पेंट करने हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पेंट जो आपका, द पेंट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, द पेंट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस। जी सर, जो अगर हम ये पेंट वगैरह गाड़ी पे करते हैं तो उसके ऊपर तो सर कन्वेयर वगैरह नहीं होते, जो कन्वेयर लगाया हुआ है आपने, ये तो यार यूजली देखो ये जो कन्वेयर बेल्ट तुम्हारा होता है ना, ये नॉर्मली मैंने बताया ना फैक्ट्रीज में नॉर्मली आपका हो रहा होता है, यानी आपका जो है वो एक गाड़ी आपकी जो पेंट होती है वो फिर आगे निकल जाती है, फिर पीछे दूसरी गाड़ी कन्वेयर बेल्ट पे चलती हुई आ रही है, फिर उसको फिर पेंट किया जाता है इसका, ठीक है। तो यूजली आपको जो पूरा लाइनअप होता है, नॉर्मली आपकी गाड़ियां हो या एरोप्लेन हो, कोई भी चीज़ आपकी मतलब जब बन रही होती है ना, मैन्युफैक्चर हो रही होती है फैक्ट्रीज के अंदर, तो ये वहाँ पे पेंटिंग आप ही कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो पेंटिंग ही करते हैं, स्प्रे पेंटिंग करते हैं, वो इस मेथड से करते हैं, और इस मेथड में यानी एक लाइनअप होता है बेसिकली, हर एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, उसके पीछे तीसरी गाड़ी आपकी मतलब के कंटिन्यू जो वो चल रही होती हैं, और फिर जो है उसको पेंट करके फिर आप जो वो फॉरवर्ड जो है ना दूसरी भी शॉप वगैरह होती है उसमें इनको फॉरवर्ड करते रहते हैं, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट नॉर्मली होती है, आप जो घर में गली के मोहल्ले में अगर कोने में आपके जो वो कोई पेंट की दुकान है तो अगर आप वहाँ से पेंट करोगे तो वो ये वाली पेंटिंग नहीं होगी जिसको कि आप जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग है, वो आपकी सिंपल स्प्रे पेंटिंग होगी आपके, उसमें पेंट आपका ज़्यादा ज़ाया होता है, सही है। ओके सर, ओके ठीक है। तो ये जो मेथड आपके स्प्रे पेंटिंग का, दिस मेथड इज आई हैव टोल्ड यू वेरी एफिशिएंट, पेंट आपका जो वो इसमें ज़ाया नहीं होता, स्मॉल अमाउंट ऑफ यानी जितना पेंट रिक्वायर्ड होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए उतना ही पेंट जो है वो नॉर्मली हम पूरा यूज़ करते हैं, और जो लेयर बनता है आपका वो सारा सारा पेंट आपको जो होता है, ऑल द पेंट यू नो फॉर्म्स अ थिक लेयर ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक थिक लेयर जो है वो बना देता है। तो ये जो आपका मेथड है, दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ पेंटिंग। तो ये जो आपका स्प्रे पेंट होता है वो इस तरीके से जो है हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। Yes, if you have any question, you can ask me right now. Using regarding spray painting. ठीक है, तो ये आपका जो है वो स्प्रे पेंटिंग हो गया। तो इस मेथड के, इस मेथड का जो भी मतलब कि एडवांटेजेस हैं वो आपने बेसिकली आपको पता नहीं चाहिए, डिसएडवांटेजेस एंड हाउ दिस मेथड इज बीइंग डन, ये मेथड आप किस तरीके से करते हैं, ये तीन चीज़ें जो आपकी इसमें पता होनी चाहिए इस टॉपिक में, इस टॉपिक के अंदर। ओके, बैक टू द टॉपिक, स्प्रे पेंटिंग मैंने आपको बता दिया। स्प्रे पेंटिंग जो आपकी होती है उसके लिए क्या करते हैं, जो पेंट आपका होता है, इसको हम जो है वो नेगेटिव चार्ज देते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम जो है वो पॉजिटिव चार्ज देते हैं, सिंस ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट सो अ थिक लेयर ऑफ पेंट is formed on the object, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जो है थिक लेयर ऑफ पेंट जो आपका फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट जो है उस पूरी बॉडी में हर जगह जो है वो आपका जो है वो होता है इसमें, ठीक है। तो थिक लेयर जो है वो आपका फॉर्म होता है, तो ये है।
डाउन वन ऑफ द सेंसर का। ओके सॉरी, ठीक है। तो ये जो आपका मेथड होता है, इस मेथड से थिक लेयर ऑफ पेंट जो आपका फॉर्म्ड होता है, और पेंट जो आपका होता है इट रीचेस एवरी कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेंट जो आपके वो ऑब्जेक्ट के हर कॉर्नर पे जब आपका पेंट जब वो मतलब के पहुंच जाता है, और बिल्कुल यूनिफॉर्म लेयर आपका जो है वो पेंट का बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दिस इज द फ्यू यू नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्प्रे पेंटिंग। तो ये पॉइंट जो है वो आपको आपने याद रखने हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सॉरी थर्ड एप्लीकेशन। If you have any question, you can ask me now. No? अच्छा, थर्ड एप्लीकेशन किसी को याद है मैंने क्या लिखवाई थी? I have given you four application ना। चले जो मुझे आ रही है मैं वही करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन दैट इज योर वैंडीग्राफ जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है, That application is your Vandegraaff generator. So let me share it with you. Okay, I'll be sharing. Okay, now this is your Vandegraaff generator. ये जो आपके हैं, this is your Vandegraaff generator. ये आपका जो है वो Vandegraaff generator है। ये आपने जो है वो मे बी देखा हो मूवीज वगैरह में, यूजली वो क्या होता है इस जनरेटर से, इस जनरेटर से आपकी जो है वो स्टैटिक चार्जेस जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती हैं, और जो भी आपका ये ऊपर जो है वो प्रेशराइज टैंक होता है, और आपका जो भी इसमें जो है वो ऊपर एक मेटेलिक डूम होता है, जब आप किसी इंसुलेटर के ऊपर खड़े होकर वाइल स्टैंडिंग ऑन एन इंसुलेटर, जब आप इस टूम को जब मतलब क्या आप हाथ लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो भी इसमें चार्जेस होते हैं, ऑल दोज चार्जेज आर ट्रांसफर टू योर बॉडी, चार्जेज हैं वो हमारी बॉडी में आ जाती हैं, और जब चार्जेज हैं हमारी बॉडी में आती हैं, तो हमारी बॉडी में आने के बाद व्हाट विल हैपन कि तो हमारे जो नॉर्मली बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, वो सर के बाल जो आपके हैं वो दे सिंपली यू नो मतलब खड़े हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं, और खड़े हो जाते हैं तो सर के बाद आपके जो बाल इस तरह से मतलब कि हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिपल्जन बिटवीन लाइट चार्जेस, क्योंकि आप जब इस पे हाथ लगाते हैं, लेट सपोज के इस सिचुएशन में आपको जो डूम है पूरे पूरा डूम आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जब आप इसमें हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाते हैं क्या होता है कि दीज पॉजिटिव चार्जेस आर देन ट्रांसफर टू योर बॉडी, और जब आपकी बॉडी पे जब ट्रांसफर होते हैं तो वो आपके हेयर पे भी ट्रांसफर होती है, यानी कि आपके हेयर्स के ऊपर और आपका आपके सर के ऊपर हर तरफ आपकी जो है वो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं। सिंस पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ही चाहता, तो आपके हेयर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके सर के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, जिसकी वजह से आपके जो जो है आपके बाल होंगे, बाल आपके जो है वो बिल्कुल ही खड़े हो जाएंगे। तो दिस इज अ वैंडीग्राफ जनरेटर। वैंडीग्राफ जनरेटर जो आपको होता है एक सिंपल सा आपका प्रोसेस यू नो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है आपने, इसके अंदर सिंपली आपके पास एक ड्राइविंग मोटर आपके पास होती है, और एक आपका जो है वो कन्वेयर बेल्ट होती है, ठीक है। आपकी जो कन्वेयर बेल्ट होती है जो इसमें लगी हुई है, दिस कन्वेयर बेल्ट इज योर मेड अप ऑफ रबर, ठीक है। ये कन्वेयर बेल्ट आपकी जो यूजली जो है वो रबर की बनी होती है, तो यूजली इसमें फिर करते हैं कि हम जब इस ड्राइविंग मोटर का जब ऑन करते हैं तो जो कन्वेयर बेल्ट आपकी होती है, दिस कन्वेयर बेल्ट यू नो स्टार्ट यू नो मूविंग, कन्वेयर बेल्ट जो आपके वो मूव करना स्टार्ट करती है, और जब कन्वेयर बेल्ट आपकी कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है तो आपका ये ऊपर एक लिखा हुआ है चार्ज रिमूविंग चार्ज रिमूवर पॉइंट, ये तो आपका चार्ज रिमूवर पॉइंट है। दिस इज जस्ट यू नो टचिंग दिस कन्वेयर बेल्ट, सिर्फ टच इस कन्वेयर बेल्ट को सिर्फ हल्का सा टच कर रहा होता है, तो आपकी जब कन्वेयर बेल्ट मूव करती है रोटेट करती है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द कन्वेयर बेल्ट गेट्स चार्ज, और ये जो आपका चार्ज रिमूवर पॉइंट है, इस चार्ज रिमूवर पॉइंट से फिर क्या करते हैं, जो भी चार्जेस इस कन्वेयर बेल्ट पर आती हैं वो चार्जेस सारी चाहिए हैं, वो दो चार्जेस आर रिमूव्ड, और वो चार्जेस रिमूव करने के बाद दो चार्जेस आर यू नो मूव्ड टू द बॉडी, और जो भी आपका ये इसके टॉप पार्ट होते हैं
उस टॉप पार्ट के ऊपर जब आपके पे ये सारी सारी चार्जेस आ जाती हैं, देन दोज चार्जेस यू नो कैन बी इजिली रिमूव. सो दिस इज अ क्या कहते हैं इसको, व्हाट डू वी कॉल इट, यस दिस इज अ बैंडीग्राफ जनरेटर. ये आपका जो है वो एक बैंडीग्राफ जनरेटर है. ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रैक्टिकली आपको जो बैंडीग्राफ जनरेटर है दैट इज लाइक दिस. Wait, I'm working on it. ओके इसको भी कैसे, ओके लेट मी ओपन इट इन हियर. सर ये वही होता है ना जो मिस्टर बीन में भी था एक, नहीं नहीं मिस्टर बीन में नहीं था, मिस्टर बीन में नहीं था, मिस्टर बीन मुझे नहीं पता मिस्टर बीन में था या नहीं था, लेकिन ये मिस्टर बीन में नहीं था बेसिकली. ठीक है, ये मैं भी शेयर कर रहा हूँ, देखें इसको. दिस इज हाउ वेंडीग्राफ इज लुक लाइक. ठीक है, आपको जो प्रैक्टिकल वेंडीग्राफ होता है वो आपका यूजली इस तरह का आपका होता है. ठीक है, इसमें ये देखें आपका एक मेटेलिक डोम होता है और इसके अंदर पूरे आपकी जो भी असेंबली वगैरह है वो सारी आपकी जो है उसके नीचे जो ब्लैक बॉक्स आपका बना हुआ है उसके अंदर होती है. आपका वो बेल्ट आपको जब इसी से रोटेट करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं. एंड व्हेन यू टच दैट थिंग तो जो बाल हेयर होते हैं, हेयर आपको देखिए इससे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आप जो है खड़े हो जाते हैं. सो ये जो आपका जनरेटर है दिस इज योर वेंडीग्राफ जनरेटर, ये आपका वेंडीग्राफ जनरेटर है. ठीक है, सबको नजर आ रही पिक्चर ये. सर इसका यूज क्या है? हाँ बताता हूँ, अभी यूज बता दो तुमने इसमें. ठीक है, कोई मसला किसी को इसमें, इसकी सर इसमें जी इसमें कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? बेटा इट्स अप टू यू. बेसिकली बार मैंने बताया कि आप दो चीजों को हम रब कर रहे होते हैं. आपकी पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो बेसिकली आपका ये जो डूम है आपका, इस डूम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज फिर आपको जो वो इसका बेसिकली यहाँ पे एक अलग से कनेक्टर लगा होता है जो कि नेगेटिव चार्जेस फिर आपकी वहाँ से जो है वो जमीन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. तो यूजली जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं, यूजली दिस इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड. और जब हम इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो ग्राउंड से कनेक्ट करने से चार्जेस जो होते हैं दोस चार्जेस कैन बी इजिली एडेड और चार्जेस कैन बी इजिली रिमूव फ्रॉम दिस थिंग. तो नॉर्मली इस पर जो है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज आ रही होती है. इवन वी कैन ब्रिंग नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस एज वेल. ठीक है, और सर हमारे अंदर कौन सी चार्जेस होती हैं? हमारे अंदर बेटा दोनों चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, लेकिन दोनों क्वांटिटी बराबर होती है जिसकी वजह से हम लोग न्यूट्रल होते हैं. अच्छा, लेकिन तो किस तरह ये प्रोसेस होता होगा? क्या मतलब किस तरह ये प्रोसेस होता होगा? अगर हम न्यूट्रल हैं तो फिर हमारे इलेक्ट्रॉन जाते होंगे या उस उधर से आते होंगे? इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बस इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही या तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होती चार्ज होगी. ठीक है, तो अगर आपकी आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है वो फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. पर अगर बॉडी में आपकी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो फिर अपोजिटली चार्ज होगी. तो इस तरीके से जो है वो इस पर चार्जेस आती हैं आपकी इसके अंदर. ठीक है, तो मसला किसी को इसमें. अच्छा, ये जो आपका वेंडीग्राफ जनरेटर होते हैं, दिस वेंडीग्राफ कैन जनरेट और दिस कैन प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अराउंड 14 मिलियन वोल्ट्स. ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस ये डेवलप करता है वो अराउंड 14 मिलियन वोल्ट्स होते हैं. ये इतने ज़्यादा वोल्ट्स हैं जितने कि आपके लाइटनिंग के अंदर होते हैं. जब आपकी लाइटनिंग हो रही होती है तो लाइटनिंग में भी आप जो है वो इससे कई ज़्यादा वोल्ट्स आपके पास होते हैं. तो जो भी आपके वोल्टेज यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे डेवलप होता है वो अराउंड 14 मिलियन वोल्ट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है. अगर आप किसी इंसुलेटर पर खड़े होके इस वेंडीग्राफ जनरेटर को हाथ लगाएंगे देन यू विल आपके सिंपल आप जो है दैट विल बी वेरी सेफ फॉर यू. आपको जो है उससे कितना खतरा नहीं होगा. लेकिन अगर आप जो है वो किसी उस पर इंसुलेटर पे अगर आप नहीं खड़े हुए, इफ़ यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन इंसुलेटर और आप जो है वो जमीन पे खड़े होकर इसको हाथ लगाएंगे तो ये जो 14,000 वोल्ट्स आपके हैं, सॉरी 14 मिलियन वोल्ट आपके जो हैं, इतने वोल्ट्स की वजह से जब आपकी बॉडी के थ्रू आपको जब करंट फ्लो करेगा तो दैट करंट भी विल बी एनफ
फ्राई हो, तो आप जो है वो फॉरन विद इन सेकेंड्स आप जो है वो जल के कोयला बन जाओगे, बिल्कुल फ्राई हो जाओगे, आप रोस्ट हो जाओगे बेसिकली। सर इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है? ओके, पर्पस क्या है? यूजली जो है हम इसको यूज करते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, जस्ट टू एक्सेलरेट दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास क्या क्या आ जाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास आ जाते हैं प्रोटॉन्स आ जाते हैं, आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम वेंडीग्राफ जनरेटर जो होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। यस, हाँ, ये आपने वो मिस्टर बीन देखी होगी ना, तो मिस्टर बीन में भी आपके वेंडीग्राफ जनरेटर जो थे वो यूज किए गए थे। सर मैं क्या बोल रहा था कब से दे? मैं से चेक कर रहा हूँ, तुम जाग रहे हो सो रहे हो, ठीक है। सो ये आपका जो दिस इज योर थर्ड एप्लीकेशन विच इज योर वेंडीग्राफ जनरेटर। अच्छा, फोर्थ एप्लीकेशन मुझे क्या क्या करवाई थी मैंने आपको यार? ये तीन ही करवाई थी मैंने। एनीवन? सर फोटोकॉपीयर, फोटोकॉपीयर या लेजर प्रिंटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फोर्थ आपको जो था दैट वाज योर फोटोकॉपीयर, ठीक है। फोटोकॉपीयर वी आल्सो कॉल इट लेजर प्रिंटर एज वेल, ठीक है। आपको जो फोटोकॉपीयर और लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें भी सेम यही पर्पस यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यू नो फिनोमेना जो आपका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का सेम फिनोमेना जो आपका यूज हो रहा होता है फोटोकॉपियर के अंदर, ठीक है। तो आपका जो यूजली आपका जो फोटोकॉपियर होता है, उस फोटोकॉपियर में वी हैव बेसिकली हमारा एक ड्रम होता है बेसिकली, ठीक है। हमारे पास एक ड्रम होता है और वो ड्रम हमारा एक ऐसी चीज़ होती है जिस ड्रम जो कि आपका लाइट सेंसिटिव ड्रम होता है। तो जो भी चीज़ आपने जो है वो प्रिंट करवानी होती है उस चीज़ को क्या करते हैं, दैट थिंग इज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग इज प्रिंटेड ऑन ऑन दैट ड्रम विद द हेल्प ऑफ एन इंक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं उसको इंक के जरिए उस पर प्लेस करते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी सर कहना है, आज के वन से यस बोलो सर, ये फिजिक्स का मंथली टेस्ट कब होगा? ये बस तुम्हारा होने वाला है, ये 25-26 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। अगस्त? यस अगस्त। ऑनलाइन? यस ऑनलाइन। सीरियस हैं आप? यस आई एम सीरियस। ऑनलाइन आपके टेस्ट होंगे और विद इन 30 मिनट्स आपने जो वो टेस्ट करके आपने उसको टर्न इन करना होगा, अगर आप टर्न इन नहीं करोगे तो आपका खत्म काम।